नमस्कार मित्रों, बिहार बोर्ड के स्टूडेंट के लिए बड़ी खुशखबरी। जी हाँ दोस्तों, मैट्रिक वाले स्टूडेंट के लिए बड़ी खुशखबरी है। वह खुशखबरी, उनके रिजल्ट फिक्स हो गया है। कब आएगा उनका रिजल्ट, आइए इस वीडियो में जान लेते हैं पूरा उनका रिजल्ट कब आने वाला है और उनकी कापियों का मूल्यांकन कब से शुरू होगा। तो फ्रेंड्स, मूल्यांकन की कापियाँ जो आधी से ज़्यादा कापियाँ जाँच चुकी हैं और बस ज़्यादा से आधी कापियाँ बची हैं, वो भी 2-3 दिन के अंदर जाँच ही जाएंगी। जाँचने के बाद वह 10 दिन के अंदर आपका रिजल्ट तैयार हो जाएगा। रिजल्ट तैयार होने के बाद आपका जैसे 3 मई तक लॉकडाउन रहेगा, लॉकडाउन हटने के बाद 2-3 दिन, मान लीजिए 6 तारीख तक कापियों का मूल्यांकन हो गया, उसके बाद आपको जो समझ लीजिए 10-12 दिन लगेगा, आपका रिजल्ट तैयार हो जाएगा। क्योंकि रिजल्ट जो अंक पत्र बनाने में टाइम लगता है। जी हाँ दोस्तों, अंक पत्र जो बनाया जाता है उसमें टाइम लगता है। उस टाइम को आप पूरा क्लियर हो जाएगा कि आपका रिजल्ट कब आएगा। तो यहाँ पर पढ़ सकते हैं कि मुख्यमंत्री ने कहा है साफ साफ, देखिए इसकी वजह है कि समिति ने लॉकडाउन के पहले आधी कापियों का मूल्यांकन शुरू कर दिया था और जब स्थिति अनुकूल नहीं तो 3 मई के बाद मूल्यांकन दोबारा शुरू होगा और 20 मई के आसपास आपके परिणाम हद से 20 मई तक आ जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, बहुत बड़ी अपडेट है। इस अपडेट को अपने फ्रेंड्स के पास जरूर शेयर कीजिएगा। वीडियो पूरा देखने से पहले चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाइए, जिससे कोई भी अपडेट आए तो मैं आपको सूचित कर सकूँ। क्योंकि आप जानते हैं कि मैं कभी कोई फर्जी खबर नहीं बनाता हूँ। आप एक बार हमारे चैनल पर विजिट करके देख सकते हैं, यहाँ पर पढ़ सकते हैं पूरी तरह से। देखिए यहाँ पे बोर्ड अध्यक्ष आनंद किशोर ने बताया कि कोरोना महामारी के कारण लॉकडाउन को लेकर के यह निर्णय लिया गया है। यहाँ पे देखिए, ज्ञात हो कि पहले मैट्रिक की उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन कार्य लॉकडाउन के कारण 14 अप्रैल तक स्थगित किया गया था। जी हाँ दोस्तों, 14 अप्रैल के स्थगित किया था। उसके बाद यहाँ पे देखिए, पीएम नरेंद्र मोदी के यहाँ पे जो फिर लॉकडाउन को बढ़ा दिया, 3 मई तक कर दिया, इसी की वजह से जो आपका कापियों का मूल्यांकन हो गया, रुक गया था। तो आप पूरी तरह पढ़ सकते हैं। यहाँ पे देखिए, पिछली बार जो 10वीं का परीक्षा का रिजल्ट था वह 31 मार्च 2019 को जारी हो गया था, लेकिन इस बार जो है वह आपको 20 मई तक पूरा 100% आ जाएगा। और यहाँ पे कैसे कैसे आपको रिजल्ट चेक करना है इसके बारे में भी वीडियो में बताया। यहाँ पे आइए देखते हैं उसको रिजल्ट कैसे चेक किया जाता है। और यहाँ पे पहले से ही आप जैसे लॉग इन किए रहेंगे, उसके बाद आपको जो ही रिजल्ट जारी होगा, मान लीजिए 10 बजे होगा, 12 बजे जब समय होगा तब जारी होगा, आपके पहले तुरंत आपके पास नोटिफिकेशन जाएगा। आप उसमें पहले से रोल नंबर वगैरह जानकारी सब भर के रखिए, आपको तुरंत सूचना मिल जाएगी। ठीक है फ्रेंड्स, आइए देख लेते हैं हम। यहाँ पे देखिए, अभी जो 25% उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन जो करना बाकी है, यानी 25% ही बाकी है, यानी कि समझ लीजिए 1-3 दिन लगेगा, इससे अधिक नहीं लगेगा। अब हम लोग बात करते हैं कि रिजल्ट जल्द ही घोषित किया जाएगा और हम लोग मेन टॉपिक पे आते हैं कि रिजल्ट कैसे चेक किया जाता है। तो आइए देखते हैं। यहाँ पे देख लीजिए, 10वीं का रिजल्ट जारी होने के छात्रों को अपना रिजल्ट देखने के लिए बोर्ड के ऑफिशियल वेबसाइट यहाँ पे biharboard.online पर जाना होगा। फिर होम पेज में रिजल्ट पर क्लिक करना होगा। इसके बाद एक नया पेज खुलेगा जहाँ आपसे आपका रजिस्ट्रेशन नंबर मांगा जाए, रजिस्ट्रेशन नंबर, और यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर डालने के बाद सबमिट करना होगा और अपना रिजल्ट दिख जाएगा। जी हाँ दोस्तों, आपको रिजल्ट अपना पता चल जाएगा। तो आइए हम लोग उस रिजल्ट के बारे में कैसे कहाँ पे क्या फिल करना है उसको देख लेते हैं। तो यहाँ पे लिखा गया है सबमिट करना, आपको रिजल्ट दिख जाएगा। इसके अलावा आप छात्र बिहार बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट, यानी कि बिहार बोर्ड के आधिकारिक वेबसाइट क्या है, बिहार बोर्ड AC, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।